आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले ही दो दिग्गज कप्तानों के बीच छिड़ गई है जंग। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भारत को धमकी देते हुए कर दी टीम इंडिया की बेइज्जती, तो उनकी ये शर्मनाक हरकत महेंद्र सिंह धोनी इससे बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को उन्हीं के अंदाज में कड़े शब्दों में ऐसी फटकार लगाई जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर कैसे पॉन्टिंग और धोनी के बीच हुई जुबानी जंग ने इस टेस्ट सीरीज का रोमांच कई गुना बढ़ा दिया और क्या कुछ कहा इन्होंने, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और रिकी पॉन्टिंग में सबसे बेहतर कप्तान कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम के लिए अब असली इम्तिहान की घड़ी नजदीक आ चुकी है। दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफेद कपड़ों में सबसे बड़ी जंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जिसमें टीम इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की उम्मीद दांव पर लगी है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया अपनी पुरानी हार का बदला लेने के इरादे से उतरने वाली है। आपको बता दें, वो लम्हा आज भी कोई नहीं भूला है जब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही जाकर लगातार दो बार टेस्ट सीरीज में हार का स्वाद चखाया है। साल 2018 में विराट कोहली एंड कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और फिर सभी बड़े धुरंधर नामों के बिना ही यंगिस्तान ने ब्रिस्बेन में गाबा का घमंड तोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह मात दी थी, जिसके चलते फिलहाल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भारत का कब्जा है। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया भी बदले की भावना से भारत पहुंच चुकी है और भारत को एक तगड़ी टक्कर देने के लिए मेहमान भी कड़ी तैयारी करके आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, 9 फरवरी से खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी और पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भारत को धमकी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हरा पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यदि हमने भारतीय पिचों को अपना लिया तो उन्हें हरा पाना बच्चों का खेल हो सकता है। पिच भारत की जीत में सबसे बड़ा योगदान निभाती है। हमें बेहतरीन सीरीज देखने को मिलने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया 2-1 से सीरीज जीत लेगी। हर एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपने प्राइम फॉर्म में है, ऐसे में उनके लिए जीतना उतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग का ये बयान किसी को पसंद नहीं आया, जिसका जवाब देते हुए धोनी ने कहा है कि हमेशा पिच को दोष देना आपकी कमजोरियों को छुपा नहीं सकता है। भारतीय टीम को हिंदुस्तान में सालों से कोई भी टीम हरा नहीं पाई है, इसके पीछे कोई वजह जरूर रही होगी। हम अपने घर पर डोमिनेट करना जानते हैं और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ जीतने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। उनके लिए ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि ऑस्ट्रेलिया जितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन भारतीय टीम उन्हें 4-0 से क्लीन स्वीप भी बड़ी आसानी से कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पहले टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय खिलाड़ी बनेगा भारत की जीत का हीरो? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।